तो दाहोदना झालोदमां कोंग्रेस समिति द्वारा सरदार श्री पटेल की प्रतिमा ने श्रद्धांजलि आपवामां आवी हती। केन्द्र सरकार द्वारा त्रण काळा कायदाना उग्र विरोध में सरदार पटेल साहेब की प्रतिमा ने आ श्रद्धांजलि पाठवामां आवी हती। दिल्ली की सरहद पर आंदोलन कर रहेला खेडूतोमांथी 29 जेटला खेडूतो शहीद थया छे, जेने लईने खेडूतोने समर्थन आपवा झालोद तालुका कोंग्रेस समिति द्वारा शहादत ने सलाम साथे सरदार पटेल की प्रतिमा ने फूलहार करी शहीदोनी आत्मा ने शांति मळे अने शहीद थनार खेडूतोना परिवार ने भगवान हिम्मत प्रदान करे तेवी प्रार्थना करी हती। आ साथे ज 2 मिनिटनुं मौन राखी मीणबत्ती प्रगटावी श्रद्धांजलि अर्पण करी हती। आ तके तालुका कोंग्रेस समितिना प्रमुख सहित अनेक कोंग्रेस पक्षना कार्यकर्ताओ खास उपस्थित रह्या हता। ते दरमियान विरोध करी रहेल कोंग्रेसी कार्यकर्ताओने झालद पोलीस द्वारा अटकायत करवामां आवी हती। भाजप सरकारना वडाप्रधान श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा बंने गृहमां कोईपण जातनी चर्चा कर्या वगर अने जे खेडूतो छे एमनी आवनार समयनी कोईपण जातनी चिंता कर्या वगर जे कृषि संबंधी त्रण काळा कायदा पसार करवामां आव्या ए बाबते कायदो रद्द करवामां आवे तेवी मांग साथे जे देशना तमाम खेडूतो दिल्लीनी सरहद सिंधु सरहद जे भूख हड़ताल करी रहेल छे, आंदोलन करी रहेल छे, તે પૈકી જે 19 ખેડૂત ભાઈઓ શહીદ થયા છે તેમની માનમાં આજે અમે ઝાલોદ તાલુકા કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા વિરોધ પ્રદર્શનની સાથે સાથે જે કેન્દ્ર સરકારે કાળા કાયદા પસાર કર્યા છે એ ખરડાની હોળી પ્રગટાવી અને સખત શબ્દોમાં વિરોધ કરી રહ્યા છે।